हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आशा उम्मीद यही है कि अपने फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे, बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। ज़्यादा समय लूँगा नहीं, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए थे। मैंने सोचा कि इन कमेंट्स का तो जवाब मैंने दे दिया, लेकिन इन कमेंट्स के थ्रू मैंने कुछ बच्चों के डाउट सोल्व करने का सोचा है कि ये इन कमेंट्स के द्वारा मैं कईयों के डाउट भी सोल्व कर सकता हूँ। तो मैंने ये कमेंट्स लिए हैं आपके सामने, इनके कमेंट्स के मैंने जवाब दिए हैं, लेकिन मैं इन कमेंट्स के द्वारा आपके सॉल्यूशन करना चाहूँगा, आपके जो डाउट्स हैं कहीं सॉल्यूशन करना चाहूँगा। तो इनके बारे में जो पहला पहला कमेंट मैंने लिया है, ये भाई साहब है अपने सूरजदास, सूरजदास है जो कि झारखंड से है, SC में है, और ये कह रहे हैं कि मेरे 81 नंबर है, और 81 नंबर है, जनरल एरिया है, तो क्या मुझे BSF मिलेगा? तो भाई सूरजदास जी, पिछली बार आपकी कट ऑफ थी वो थी 39%। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको कहा था कि 39% में पिछली बार आपको फिजिकल कॉल किया गया था, 81 है तो आपको फिजिकल कॉल तो 101% होगा। और मैं दावा करता हूँ कि आपको पिछली बार BSF में ले मैंने देखा था 50% पर इनको BSF मिल गई थी, इनको 50% पे क्या मिल गई थी, BSF मिल गई थी। तो अब की बार आपको BSF आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको कोई डाउट हो तो और मुझे पूछ लीजिएगा, आपको BSF 100% मिलेगी, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। तो चलते हैं अगला कमेंट लेने के लिए। तो जो अगला कमेंट है वो है सर दिनेश थापा जी है उत्तराखंड से। दिनेश थापा जी क्या कह रहे हैं, तो दिनेश थापा जी कह रहे हैं कि मेरे 100.5 रो मार्क्स से जनरल एरिया एंड जनरल कैटेगरी से। ओके, तो जो पिछली बार की कट ऑफ रही थी 62% फॉर फिजिकल, इनके मार्क्स है 100.5, तो इनको मैं कह दूं कि अब की बार फिजिकल कॉल तो 101% हो जाएगा, फिजिकल कॉल तो हो जाएगा 101% फिजिकल कॉल होगा, आपको मैं ये दावा करता हूँ। बाकी फाइनल मैट में अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, बाकी फिजिकल कॉल तो होना तय है, आप फिजिकल की तैयारी जमकर कीजिए। और दूसरा कमेंट है, ये क्या है, डोली डोली पासवान, डोली 28। अच्छा, ये बोल रही है कि झारखंड SC फीमेल 70 मेरा फाइनल हो गया क्या? तो मैंने देखा झारखंड फीमेल जनरल एरिया से है, इनकी जो फिजिकल की कट ऑफ रही थी पिछली बार वो रही थी 40%। 40% का मतलब है 64 नंबर अब की बार के, इनके नंबर 70। अगर इनके नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 नंबर भी बढ़ते हैं तो इनका फाइनल सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो डोली पासवान जी है, इनको कहता हूँ कि आपको फाइनल सिलेक्शन ज़्यादा दूर है नहीं, बाकी फिजिकल कॉल तो होना तय है, ये मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल कॉल तो हो जाएगा आपको, बाकी आप फिजिकल की बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि फिजिकल में बाहर ना हो। ठीक है, तो अगला जो कमेंट है वो है सर आपके रोहतास रेडियो, ये बोल रहे हैं कि बिहार नक्सल से मेरे EW से है, ये बोले 92 नंबर से इनके, तो 92 नंबर्स के लिए मैंने देखा जो नक्सल ये नक्सल से हैं, पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 51%। ठीक है, 51% क्या रही थी, कट ऑफ रही थी पिछली बार 51% क्या रही थी, फिजिकल के लिए कट ऑफ रही थी, इनके नंबर है 92। 51 का मतलब कितना हो गया आप देख लो अपने हिसाब से लगभग, तो इनके नंबर आराम से कोई रोकने वाला है नहीं इनको। तो मैं कह रहा हूँ कि इनको फिजिकल कॉल तो होगा ही होगा, बाकी फाइनल के चांसेस 99% तक है कि फाइनल इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इनको। तो रोहतास जी, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने से दूर ज़्यादा हो नहीं, बाकी आपको फिजिकल कॉल तो 101% होने वाला है। ठीक है, और एक बंदा है वो है राजस्थान OBC जनरल, जिसका नाम है आर्मी लवर। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि आर्मी लवर राजस्थान OBC जनरल 117 है, क्या करें क्या करें भाई, दौड़ करो और क्या करेंगे। तो जो ये हैं OBC जनरल 117, पिछली बार 67% थी किसकी, जनरल कैटेगरी की, और जो OBC थी इसकी भी लगभग अप्रोक्सीमेट 66-67 के अप्रोक्सीमेट इसकी कट ऑफ रही थी। तो मैं कहता हूँ कि भैया फिजिकल कॉल तो हो गया आपको, मैं कह रहा हूँ फिजिकल कॉल तो हो गया, बाकी फाइनल के चांसेस इतने हैं कि SSF के अलावा अगर आपने CISF और SSF के अलावा कुछ है, BSF मिल जाएगी आपको आराम से, BSF तो मिलेगी 101% BSF तो मिलेगी मिलेगी, बाकी CISF के चांसेस है अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में 5 से 8 नंबर बढ़ते हैं। तो अगला जो कमेंट लेते हैं वो है सर आपके ऑफिशियल KP। देखो भाई, अब आप खुद देखो, इतने नंबर वाले बंदे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, पहले तो राजस्थान से नहीं है, छत्तीसगढ़ से हैं, और पूछ रहे 137 ST मेल। अब देखो ST से हो रहे हैं और पूछ हो रहे हैं महाजन, अरे यार भाई आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, यहाँ पे पूछ पूछ के आप फिजिकल की तैयारी करो, आपको फाइनल सेक्शन होना तय है भाई, कोई रोक नहीं सकता माइकल लाल इसको कि फाइनल सेक्शन ना हो आपका। पिछली बार कटो भी 37% रही थी, आपके 137 नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है आपके भाई, आपको
फर्स्ट चॉइस मिलेगी आराम से, SSF की चांसेस है, आप चांसेस की SSF मिल जाएगी आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑफिशियल के भी आपको SSF आराम से मिलेगी, आप तो बस तैयारी कीजिए भयंकर वाली। और अगला कमेंट है मोहित शर्मा 4420, ये बोले राजस्थान EWS 105 एनी चांस फॉर फाइनल। तो देखो फाइनल की बात ऐसे है, पिछली बार 60% में क्या गई थी आपकी फिजिकल कोट ऑफ गई थी, लगभग 59 बॉन्ड समथिंग थी, तो मैं 60% अप्रोक्सीमेट मान रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट 60% में आपको फिजिकल कोल हो गया था। अब की बार है आपके 105, लगभग 96 नंबर होते हैं, 60% के हिसाब से आपके नंबर है 100, देख लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल अगर आपके कट ऑफ में अगर 5 से 10 नंबर अगर बढ़ते हैं, 5 से 8 नंबर के बीच में अगर नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो आपका फाइनल हो जाएगा, BSF आपको मिल जाएगी, ठीक है। BSF की कट ऑफ कम जाती है, इसलिए मैं BSF के लिए बोल रहा हूँ कि BSF को आपको मिल जाएगी। तो आपके जो मोहित शर्मा जी है, आपका डाउट क्लियर होता है कि आपका आराम से फिजिकल कॉल तो 101% होना ही होना है, बाकी फाइनल के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके, ठीक है। तो अगला कमेंट आता है VA@VA महाराष्ट्र OBC 77.50 क्या फाइनल होगा। तो ये महाराष्ट्र से है जिनका मैंने लिया है, पिछली बार जो फिजिकल की कट ऑफ रही थी वो रही थी 45% का मतलब आप देख लीजिए कितना होता है, लगभग आपके जाएंगे ये 70 नंबर के लगभग हो रहे हैं क्या, इतने हो रहे हैं ना, 72 नंबर के आसपास में हो जाएंगे। 45% में आपको निकाल के दिखाता हूँ, 160 का 45%, आप 50% निकाल लीजिए, कितना होता है 80, तो 45% 5% कम कर लीजिए। और मैं बोल रहा हूँ कि इनका फाइनल के लिए तो बोलूँ कि फाइनल का तो पता नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिजिकल कॉल तो 101% फिजिकल कॉल तो हो जाएगा 101%, बाकी फाइनल के लिए आपको भगवान से दुआ करो कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ जाएँ, ठीक है। अगला कमेंट है पांडे लवली, एक बहन है अपनी पांडे लवली नाम से, जिसका कमेंट है कि सर उत्तराखंड EWS फीमेल है 102 क्या फाइनल हो जाएगा मेरा। तो इनके लिए बता दूँ कि जो उत्तराखंड से है ये, इनके EWS फीमेल पिछली बार 57% में कट ऑफ रही थी, 57% में कट ऑफ रही थी और इनके नंबर 102। तो फाइनल के लिए तो देखो थोड़े से नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़े से नंबर की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में लगभग जगभग ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 नंबर पर बढ़ जाएंगे, तो आपको फाइनल सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बाकी तो फिजिकल कॉल तो होगा ही होगा, आपको कौन रोकने वाला है फिजिकल में। तो बाकी आप एक बार तैयारी कीजिएगा फिजिकल की और फाइनल की आप बाद में सोचिएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप फिजिकल की तैयारी भयंकर कीजिए। और SREY4JX क्या नाम है यार तुम्हारा, तो नाम यार ठीक लिखा करो यार भाई, जो नाम है वो लिख दिया करो यार तुम। अब कमेंट आया है कि बिहार EWS नक्सल रो मार्क्स 94 प्लीज़ बताइए, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जो बिहार से हैं इनकी जो पिछली बार नक्सल से कट ऑफ गई थी वो थी 5 और 1 51%, समझ लो लगभग 82 के लगभग इनकी क्या गई थी फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी। तो भैया फिजिकल तो होगी आपको, आपके नंबर है 12 एक्स्ट्रा अभी भी, तो कट ऑफ जाएगी नीचे, तो भाई आपका फाइनल सेक्शन होगा, ये तो मैं बोल रहा हूँ। EWS क्योंकि फाइनल सेक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका फाइनल सेक्शन होना तय है। अगर जनरल से होता तो थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे होती, बाकी नक्सल से होने के कारण इनके फाइनल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो अगला कमेंट है वो देखते हैं किसका है, ओहो झारखंड, ये देखो इन्होंने पूरा ही कर दिया, @ अभिषेक कश्यप जी आप मेरी बात सुन रहे हो तो सुन लीजिए, झारखंड EWS नक्सल 70%, 6 फरवरी 3rd shift पोस्ट प्रिफेरेंस CISF असम राइफल वगैरह, ये पोस्ट है इनकी, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पोस्ट मुझे मिल सकता है। तो कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार झारखंड से EWS से पिछली बार कट ऑफ रही थी 26%, ये देखो नक्सल से, आप एक बार इनको यहाँ पे गौर करिएगा, ये नक्सल से पिछली बार कट ऑफ गई थी लगभग 26 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन 27% अप्रोक्सीमेट ले ली है, 27% के आसपास इसकी कट ऑफ की थी, इनके नंबर 70। तो इनको देखो CISF के लिए मैं कह नहीं सकता, बाकी अगर ये असम राइफल में है तो असम राइफल या ITBP इन दोनों में से आराम से इनको एक पोस्ट मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी पोस्ट मिलेगी मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आपको पोस्ट एक मिल जाएगी। और बाकी कमेंट मैंने लिए नहीं, बहुत सारे कमेंट है इसमें मैंने कमेंट लिए नहीं, आपका टाइम जाए किया नहीं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूंगा, मेरे को सेवा का मौका दें। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।